रेडियो सिटी 91.1 पर बरखा 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 लेडीज फर्स्ट लाइक बरखा। हमारे साथ है हमारे शहर के जाने माने ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर रमित गुंजन। हाय सर। हेलो, कैसे हैं आप? सर थैंक यू सो मच हमारे स्टूडियो में आने के लिए। जितने भी लोग आपको वीडियो में देख रहे हैं उन्हें हेलो कह दीजिए। हाय सर, बुढ़ापे में बड़ी सारी प्रॉब्लम आती है, जोड़ों में दर्द, हड्डी में दर्द, उठने बैठने में प्रॉब्लम, खाना पचने में प्रॉब्लम, लेकिन अगर ओवरऑल निचोड़ की अगर बात करें और जो आपसे हमने बात की तो भी जो बातें समझ में आई कि खान पान का बड़ा इम्पोर्टेंट रोल होता है, तो क्या सलाह देंगे बुढ़ापे में कैसा हो हमारा खान पान? खान पान में सबसे इम्पोर्टेंट है हमारा मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स अगर हम लेते हैं जी, इन द फॉर्म ऑफ दूध, दही, छेना, खोआ, पनीर, किसी भी रूप में अगर हम ले पाते हैं तो बोन स्ट्रेंथ के लिए वो काफी अच्छा होता है। अच्छा। अगर हम फ्रूट्स का बात करते हैं तो उसमें चीकू है, शरीफा है, नाशपाती है, इन फ्रूट्स में कैल्शियम का मात्रा अधिक होता है जी। वेजिटेबल्स का अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो उसमें सेम की सब्जी, सहजन, ड्रमस्टिक्स, लेडीज फिंगर, भिंडी, इसमें काफी अधिक कैल्शियम है। ड्राई फ्रूट्स में आलमंड्स, बड़े बादाम जो है वो काफी अच्छे माने जाते हैं। जो लोग नॉन वेजिटेरियन फूड खाते हैं उनके लिए तो छोटी मछली, अगर कैल्शियम चाहिए तो छोटी मछली बहुत अच्छा सोर्स है, और बड़ी मछली में विटामिन डी का मात्रा। सर विटामिन डी पे मैं रोकना चाहूंगी, सूरज चाचू है ना, तो सूरज चाचू है, बहुत बिल्कुल अच्छा सवाल है। और इसमें एक मिथ है, लोग अक्सर सोचते हैं सुबह की वॉक में, लोग कहते हैं कि मैं तो मॉर्निंग वॉक जाता हूँ, मेरा विटामिन डी कैसे कम हो गया, मैं 6 से 7 वॉक करता हूँ। बट द मिथ इज कि ये सही जो लिटरेचर कहता है, साइंटिफिक जो समय है, दैट इज 10 बजे सुबह से दोपहर के 3 बजे के बीच का धूप, दैट इज रिगार्डेड टू बी द बेस्ट। उससे हमें विटामिन डी सबसे अधिक मात्रा में मिल पाता है। okay. जो कि अक्सर हम लोग समझते हैं कि सुबह का धूप है। अच्छा, तो ये एक करेक्शन का। तो 10 बजे से 3 बजे की धूप 40 मिनट की, 40 मिनट पर डे आपको विटामिन डी का सबसे बढ़िया सोर्स है। और आपको बहुत चीज़ है कि हमारा बॉडी का जितना पार्ट एक्सपोज है, लाइक अभी ऐसे, तो इतना दूर बनेगा विटामिन डी, यहाँ नहीं बन रहा है, तो जहाँ डायरेक्ट कांटेक्ट ऑफ सनलाइट होता है स्किन पे, वहीं पे विटामिन डी बनता है। ओके ओके ओके, दैट इज आल्सो इम्पोर्टेंट। ओके, और कोई बात सर कुछ एड ऑन करना चाहें आप? नहीं, बिल्कुल, हमारे समाज के जो बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा हैं हमारे सीनियर सिटीजन्स, उन्हें प्यार से रखिए, देखभाल कीजिए, क्योंकि उन्हीं के लिए बदौलत हम सब आज यहाँ पे हैं। और वृद्धाश्रम में उन्हें मत भेजिए। थैंक यू सो मच हमारे स्टूडियो में आने के लिए सर। साथ में बोलिए रेडियो सिटी 91.1 FM, रग रग में दौड़े पटना, रग रग में दौड़े पटना।